मैंने सर्विस बुक लाना भूल गया शायद। ये पूरा खराब हो गया है, टायर में इंडिकेटर रहता है। अब तो मैं सर्विस सेंटर में नहीं जा रहा हूँ बजाज का, डिसअपॉइंटेड। ये सारी गाड़ हटा दिया है। वेरी गुड अभिनव, वेरी गुड। Hey everyone, what's up? This is Throttle Freak. Welcome back to my YouTube channel. I have ordered something from Amazon and which is recently arrived. So let's unbox it. एक्चुअली मैंने मोटुल का इंजन ऑयल मंगाया है, 20W50 वाला, फुली सिंथेटिक। तो मेरा बाइक का सर्विसिंग का टाइम आ चुका है तो इसलिए मैंने ये मंगाया है। इस इंजन ऑयल डालने के बाद परफॉर्मेंस में लिटिल बिट चेंज आता है, तो वो भी हम चेक करेंगे कि आता है कि नहीं, और आपको बताएंगे पूरा एकदम। पहले तो इसको डलवाते हैं और चलते बाइक की सर्विसिंग करवाते हैं। और ये मैंने अमेजोन से इसलिए मंगाया है क्योंकि जनकपुर में तो ये आसानी से मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव होता है, इसलिए मैंने इसको अमेजोन से मंगाया था। और मैंने अभी एक और चीज़ मंगाया है, तो ये चैन क्लीनर है। मैं पहले कपड़े से करता था तो उसमें अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता था, इसलिए मैंने ये मंगाया। वो इसका भी तो काम नहीं है क्योंकि सर्विस सेंटर में तो अच्छे से सारी चीज़ साफ़ कर ही देंगे, ये यूज़ करेंगे बाद में। मैंने काफ़ी सारे चीज़ अमेजोन पे ऑर्डर करके रखा है जो कि मॉडिफिकेशन से रिलेटेड है, तो वो सारे चीज़ जल्दी आने वाला है और मॉडिफिकेशन पे वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं मॉडिफिकेशन रिलेटेड तो आप तक पहुंच पाए। तो चलते अब सर्विस सेंटर में। ओके गाइज, तो अभी चलते हैं हम सीधे बजाज की सर्विस सेंटर में मुजेलिया, और वहीं पे हमें आशिक और सुभाष ज्वाइन करने वाले हैं, सर्विस कराते हैं। ये देखो सर्विस इंडिकेशन आ गया है, और अभी बाइक चली है सिर्फ 9637 किलोमीटर, और बाइक की आज 6 सर्विस होने वाली है। वो राइडर स्पोर्टेड। ओके गाइज, सो हियर वी आर, बजाज सर्विस सेंटर मुजेलिया। वो मैंने सर्विस बुक लाना भूल गया शायद से, हो गया बिना सर्विस बुक के। भी सर्विस होते हैं पर चार्ज लग जाते हैं। कथी के चार्ज? सर्विसिंग चार्ज पर एक हफ्ता के भीतर जब बुक लगाएंगे तब मैं के पैसा रिटर्न कर देते हैं। कथी के चार्ज? चेसिस नंबर के फोटो ले। तो हुआ क्या कि सर्विस सेंटर में मैं सर्विस बुक लेके आना भूल गया था, घर पे सर्विस बुक भूल गया था, तो उन्होंने बोला कि सर्विस चार्ज लगेगा और 7 दिन के भीतर में अगर तुम सर्विस बुक लेके आते हो तो फिर वो पैसे रिटर्न कर देंगे। तो और कोई ऑप्शन नहीं था, और घर नहीं, घर जाके वैसे ले सकते थे पर लेजी लैंड। तो अभी हम सर्विस सेंटर से बाहर आ गए क्योंकि उन्होंने बोला है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 6-7 बाइक पहले सर्विस होगा उसके बाद मेरा नंबर है। तो इसीलिए हम मणिपाल के साइड में आए। ये मणिपाल है और यहाँ पे देखो कितना अच्छा लोकेशन है। यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ पर लोकेशन काफी अच्छी है यहाँ की। डोंट ट्राई दिस एट होम, वी लिव बाय प्रोफेशनल। तो अभी बाइक को वॉश कर दिया गया है और अब इसका सर्विसिंग होगा। तो ये है ऑयल फिल्टर और ये पूरा खराब हो गया है देख सकते हो, तो अभी इसको चेंज करना पड़ेगा। ये पीछे का ब्रेक पैड है, ये चलने लायक है अभी, तो इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। पीछे ब्रेक वैसे अच्छी खासी लग रही थी पर शायद लगता है फ्रंट का चेंज करना पड़ेगा, तो अभी खोलेंगे भैया तो अभी पता चलेगा। तो टायर अभी चलने वाला है, 15,000 तक में मैं चेंज कराऊंगा टायर को। ये टायर में इंडिकेटर रहता है तो इसी से पता चलता है कि टायर अभी कितना चलने वाला है। 15,000 किलोमीटर के बाद चेंज करने वाला हूँ इसको। उसके बाद मैं अपोलो अल्फा H1W रेटेड वाली लगाने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ 150 लगाने का, पर अगर इसमें दिक्कत नहीं, 150 लगाने के लिए ये भी खोलना पड़ता है, और अगर ये नहीं खोलना पड़ा तो फिर 150 लगाएंगे, नहीं तो 140 सेक्शन के लगाएंगे, और अभी इसमें 130 सेक्शन की है। यार फिल्टर वैसे डैमेज हो गया है पर अभी थोड़ा चलेगा, तो अगले सर्विसिंग में चेंज करेंगे और हम परफॉर्मेंस वाले लगाएंगे CNN का या फिर कोई दूसरा। सो गाइज, तो अभी सर्विसिंग हो गया है और सर्विसिंग हुआ नहीं है।
मतलब सीन क्या है कि सर्विस सेंटर वालों ने बोला कि जो बजाज का ओरिजिनल इंजन ऑयल आता है वही लगाना पड़ेगा, और जो मैंने मोटुल का जो बाहर से लेके आया था वो सर्विस सेंटर में नहीं चेंज कर सकते, बाहर जाके चेंज करा सकता है। और उन्होंने एक और बात बोली थी, अगर मैं मोटुल वहीं से लेता हूँ मोटुल का इंजन ऑयल फिर चेंज करा सकता है। तो पता नहीं ये क्या सीन है, उन लोगों का अपना मर्जी चलता है। और उधर का जो मोटुल रखा है 20W50 भाई, उसका प्राइस लिटरली 3600 है, NPR 3600, जो कि बाहर की मार्केट में 2400 में इजीली अवेलेबल हो जाती है। और अगर आप इंडिया से मंगाते हो या फिर अमेजोन से मंगाते हो तो 1111 रुपीज़ पड़ती है मोटुल का 20W50 7100 फुल्ली सिंथेटिक वाला की। तो पता नहीं लोगों का अलग ही रहता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने बोला कि जो इसका इंजन ऑयल पुराना वाली है वहीं रखा दो, और हमने ऑयल फिल्टर ले लिया वहाँ से, और अब जा रहे लोकल गैरेज होते हैं उसमें जाके मोटुल का इंजन ऑयल डलवाएंगे, फिर बताते हैं आपको कैसा। वैसे सर्विस के बाद तो गाड़ी अभी एकदम अच्छी चल रही है, और पीछे की ब्रेक तो मतलब सर्विस के बाद तो ब्रेक थोड़ी देर बाद में ही काम करता है थोड़ा चलने के बाद। बाकी या क्लॉच में थोड़ी इम्प्रूवमेंट लग रही है मुझे, ऐसे ट्रीट किया है ना, लिटरली बोल रहा था कि यहाँ से लो मोटुल फिर रख देंगे, बाहर से लाओगे तो नहीं रखेंगे, कोई सेंस ही नहीं थी इस बात की। फिर अब तो मैं सर्विस सेंटर में नहीं जा रहा हूँ बजाज का, डिसअपॉइंटेड भाई, डिसअपॉइंटेड दिल से बुरा लगती है भाई, और गुस्सा भी बहुत आया था मुझे उस टाइम पे। मैंने वहाँ का जो हेड है उससे भी बात करने की कोशिश करी पर वो था नहीं, और वहाँ का जो मैनेजर था जो बाइक सेल करते हैं वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। मैंने बोला कि अगर आप सर्वो आती है बजाज की ओरिजिनल वो लगाते हो तो वो समझ में आता है कि जो है वहीं रहेगा, पर मोटुल आप दे रहे हो आपकी आपसे कीने तो लगा सकते हैं डलवा सकते हैं और बाहर से नहीं डलवा सकते, इसका मतलब मैं समझ नहीं पाया। खैर जो भी है क्या कर सकते हैं, अब मैं फर्स्ट टाइम मोटुल का इंजन ऑयल रखने वाला हूं अपने बाइक में, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बाकी आसिक वहीं से चल गया, उसका कल आ गया था, और सुभाष अभी मेरे साथ है। आलम मोटरसाइकिल रिपेयरिंग वर्कशॉप। रुको रुको भैया, रुको, ये सारी गार्ड हटा दिया है तो अभी ये लुक, ये एरिया पूरा क्लियर लग रहा है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में पर्सनली मुझे। और जो ये टेल टाइडी का लाइट था वो भी हटा दिया, पहले जो था एकदम नॉर्मल वैसे रखा है, जनकपुर में ज़्यादा शिन्नी होगा इसलिए। ये वाली लाइट मेरी बिगड़ी थी, मुझे लग रहा था ये फ्यूज़ हो गया पर फ्यूज़ हुई नहीं थी एक्चुअली, इसका तार छूट गया था, तो ये भी लगवा दिया है और हजार्ड में सेट करा दिया है, तो अभी आगे आपको दिखाएंगे। या आई पकड़ के निकलता हूँ, आई से निकलते स्टिकर होती की भीतरी सर क्या चूल मची थी आपको। तो मोटुल का जो इंजन ऑयल होता है वो रेड कलर का होता है, सिंथेटिक इंजन ऑयल रेड होती है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। सो गाइस अपना सारा काम हो गया है फाइनली, मोटुल का इंजन ऑयल भी डल चुकी है, अब देखते हैं कैसा रहता है इसका एक्सपीरियंस, वो मैं आपको शेयर करूँगा ही, पर अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इस इंजन ऑयल जब नए डालते हैं तो सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। वैसे अभी तो गाड़ी स्मूथ चल रही है, पहले से बहुत अच्छा लग रहा है चलाने में, और जो आवाज़ आ रही थी बाइक में चलाने से वो भी पूरा एकदम ख़त्म हो गया है। अब रह गई ले गार्ड मेरा टूट चुका है तो उसका हम करते हैं प्रबंध, मोस्ट प्रोबेबली मैं उसमें फ्रेम स्लाइडर लगाऊंगा या फिर क्या होता है आगे आपको पता चल ही जाएगा। तो कुछ ऐसी थी सिक्स सर्विसिंग। तो अभी जो सारी गार्ड और जो भी सामान बच गया था जो हमने इस बाइक से हटा दिया था, रिमूव कर दिया था, और जैसे कि इंजन ऑयल भी बच गया है तो बाद में काम आएगी, तो सब घर पर रख दिए हैं। अभी चलते हैं गंगा सागर और वहाँ पे नाश्ता करेंगे, उसके बाद कुछ देर बैठेंगे और आपको बताएंगे भी कि कैसा लग रहा है। देखो कुछ दिन में मैं आपको अच्छे से ये बता पाऊँगा कि क्या चेंजेस हुई है कि नई परफॉर्मेंस में, मैं अभी तो भगा नहीं रहा हूँ। यो ये लाइट ठीक है भाई, तो ऐसी कुछ लग रही है अभी। ये देखो लेग गार्ड का यहाँ से टूट गया और यहाँ का नट ही नहीं मिल रहा है लगाने वाले, तो ये तो ख़त्म ही हो गया है। तो कोई नहीं, फ्रेम स्लाइडर हम जल्दी मंगाने वाले, फ्रेम स्लाइडर लगाएंगे। अभी सुभाष बेबी गया है रेडी होने,
उसके बाद निकलेंगे हम गंगा सागर पे। तो अभी मुरली चौक पे पहले समोसा खाएंगे। हल्का समोसा का हल्का पानी पूरी। हाँ ये बात बढ़िया है। तो मिलते हैं आपको समोसा ब्रेक के बाद। समोसा खाते फिर मिलते हैं आपसे। 15 मिनट्स लेटर। तो अभी समोसा हंट करके निकल चुके हैं भाई। यहाँ का जो समोसा होता है वो द बेस्ट होता है, एकदम लप्पर। और समोसा हंट करने के बाद हमारा प्लान है पानीपुरी हंट करने का भी, पर सैडली यहाँ पे पानीपुरी वाले आए नहीं, यहाँ लगाते जो। तो अभी हम गंगा सागर पे हैं और यहाँ पे कुछ देर बैठेंगे, उसके बाद चले जाएंगे घर पे। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बेबी बेबी।